हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नवीन और आपका द जीएस टाइम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एनवायरनमेंट एवं इकोलॉजी के प्रदूषण टॉपिक से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम में 3 से 4 बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं में मुख्यतः कौन सा प्रदूषक होता है? दोस्तों, आज के इस टेस्ट में हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को सोचने के लिए 5 सेकंड का मौका देंगे। अगर आपको 5 सेकंड से ज्यादा का समय चाहिए तो वीडियो को रोक करके वही आंसर सोच सकते हैं। उसके बाद हम आपको उसका आंसर बताएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, सिगरेट का जो धुआं निकलता है उसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन गैस होती है जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होती है। इसलिए सही आंसर है डी, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन गैस यह बहुत ही हानिकारक प्रदूषक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है? दोस्तों, मानव द्वारा उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहा जाता है। इसलिए सही आंसर है डी, एंथ्रोपोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? तो दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड यह द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। दोस्तों, यह एक प्राथमिक प्रदूषक है, इसलिए सही आंसर है बी, सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों, यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि जो प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट है और ओजोन एवं स्मॉग है यह द्वितीयक प्रदूषक होते हैं, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली निम्न में से कौन सी गैस है? तो दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्राथमिक वायु प्रदूषक है जो रंगहीन तथा अति विषैली गैस होती है। यह गाड़ियों से निकलने वाले धुएं तथा सिगरेट में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होती है जो स्वास्थ्य के लिए एवं पर्यावरण प्रदूषण के लिए बहुत ही जिम्मेदार है। इसलिए सही आंसर है ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? दोस्तों, ऐसा प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा पूर्ण अपघटन किया जा सके जैव अपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं, और ये प्रदूषक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, जैसे कि सीवेज हुआ, लकड़ी हुआ, कागज हुआ। इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर है सीवेज, क्योंकि जो सीवेज होता है, कागज होता है और लकड़ी होता है, ये जब सड़ते हैं तो इनका प्रयोग सूक्ष्म जीव अपने भोजन के रूप में करते हैं, और जब सूक्ष्म जीव जीवित रहेंगे तभी तो अपशिष्ट पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में अपघटित करेंगे जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, इसलिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? तो दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड जल प्रदूषक नहीं है। जब सल्फर डाइऑक्साइड जल से क्रिया करता है तब सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, तब जाकर के यह बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा डी, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? दोस्तों, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं, इसलिए सही आंसर है बी, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतिक पौधा है? तो दोस्तों, लाइकेन जो होता है वह प्रदूषण संकेतिक पौधा होता है, इसलिए सही आंसर है बी, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन सबसे अच्छा प्रदूषक सूचक किसका है? दोस्तों, जो लाइकेन होता है वह वायु प्रदूषण के प्रति अति संवेदी होता है, इसलिए सही आंसर है ए, वायु प्रदूषण। दोस्तों, जहाँ पर वायु प्रदूषण होता है, जैसे कि नगरों में बहुत वायु प्रदूषण होता है, वहाँ पे लाइकेन नहीं पाया जाता है, क्योंकि वायु प्रदूषण के लिए बहुत ही संवेदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? दोस्तों, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को वर्षा के द्वारा शुद्ध किया जाता है, इसलिए सही आंसर है सी, वर्षा, जिसे प्रकृति शुद्ध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है, इसलिए सही आंसर है डी, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो दोस्तों अम्लीय वर्षा में नाइट्रिक अम्ल उपस्थित रहता है, इसलिए सही आंसर है बी, नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो दोस्तों अम्लीय वर्षा कारखाने और भट्टियों से निकलने वाले जो गैस होती हैं, उन्हीं के प्रभाव से अम्लीय वर्षा होती है, इसलिए सही आंसर है ए, कारखानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। तो दोस्तों नॉर्वे में अम्लीय वर्षा सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सही आंसर है डी, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक पश्चिम बंगाल राज्य में होता है, इसलिए सही आंसर है डी, पश्चिम बंगाल राज्य में। तो दोस्तों इस तरह से एनवायरमेंट एवं इकोलॉजी टॉपिक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर जरूर बताएं, और आपके स्क्रीन पर जो एक क्वेश्चन दिख रहा है इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इम्पॉर्टेंट वीडियो रोज लाते रहते हैं। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए एनवायरमेंट टॉपिक से, तब तक के लिए नमस्कार।